नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्वस्तिकास यूट्यूब चैनल, जहां आज हम बात करने वाले हैं 9 अगस्त से स्टार्ट होने वाले दूसरे आईपीओ के बारे में, जिसका नाम है नोवोको विस्तास कॉरपोरेशन, जो कि 1999 में इनकॉर्पोरेट हुई थी और इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट सीमेंट कंपनी एंड कॉन्क्रीट मैन्युफैक्चरर है। अगर हम कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें तो कंपनी के पास डाइवर्सिफाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट है, जैसे कि सीमेंट, रेडीमिक्स सीमेंट, मॉडर्न बिल्डिंग मटेरियल्स, एडहेसिव्स, वॉल पुट्टी एक्सेट्रा, जो कि कंपनी कॉन्क्रीटो, ड्यूरागार्ड, इंस्टामिक जैसे ब्रांड के जरिए सेल आउट करती है। कंपनी के पास 8 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, जिसमें से 5 इंटीग्रेटेड यूनिट है और 3 ब्लेंडिंग यूनिट है। कंपनी की टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 22.32 MMTPA है। अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें तो कंपनी एक लार्जेस्ट सीमेंट मैन्युफैक्चरर है ईस्ट इंडिया में, जिसके पास स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। साथ ही कंपनी का स्ट्रॉन्ग ब्रांड नेम और लार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। वहीं अगर हम रिस्क की बात करें तो कंपनी के पास हाई डेट है, साथ ही कंपनी हाईली डिपेंडेंट है ईस्ट इंडिया में अपने ऑपरेशन से। अगर हम आईपीओ की बेसिक डिटेल्स के बारे में बात करें तो ये आईपीओ 9 अगस्त से स्टार्ट होकर 11 अगस्त को क्लोज होगा, जिसका टोटल इश्यू साइज 5,000 करोड़ है, जिसमें 3,500 करोड़ का OFS है और 1,500 करोड़ का फ्रेश इश्यू है। इस आईपीओ का प्राइस बैंड 560 रुपये से 570 रुपये तय किया गया है, जिसे आप 26 के मल्टीपल में अप्लाई कर सकते हैं। इस आईपीओ की लिस्टिंग 23 अगस्त को NSE और BSE पे होगी। अगर हम आईपीओ के ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करें तो जो पैसा OFS के जरिए रेज होगा कंपनी उसे यूटिलाइज नहीं करेगी, और जो पैसा फ्रेश इश्यू के जरिए रेज होगा कंपनी उसे अपने डेट को कम करने में यूज़ करेगी। अगर हम फाइनेंशियल्स की बात करें तो कंपनी का परफॉर्मेंस मिक्स्ड बैग में रहा है ऑन अकाउंट ऑफ मर्जर्स एंड एक्विजिशन। कंपनी का रेवेन्यू FY19 में 6,911 करोड़ था, जो कि बढ़कर FY21 में 7,522 करोड़ आ गया है। वहीं कंपनी FY20 में नेट प्रॉफिट टर्न हुई थी, वहीं FY21 में कंपनी को लॉस देखने को मिला है। साथ ही कंपनी के मार्जिन्स भी बहुत कम रहे हैं। अगर हम आउटलुक की बात करें तो गवर्नमेंट का फोकस रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर में होने की वजह से इन्वेस्टर्स को सीमेंट इंडस्ट्री काफ़ी अट्रैक्टिव लग रही है। साथ ही पिछले कुछ सालों में सीमेंट प्लेयर्स ने अपने रेट हाइक करे हैं, जिसका फ़ायदा उनको होते हुए दिखा है। कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस फ्लक्चुएट हुआ है एक्विजिशंस और मर्जर्स की वजह से, साथ ही कंपनी के पास हाई डेट है। कंपनी का IPO लगभग 10 के EV/EBITDA पे आ रहा है, वहीं इंडस्ट्री का एवरेज EV/EBITDA 15x है, और इस वजह से हम इस IPO को सब्सक्राइब की रेटिंग प्रोवाइड करते हैं ओनली फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स। सो दिस इज मी महेक लिखा साइनिंग ऑफ ऑन बिहाफ ऑफ स्वस्तिका इन्वेस्टमेंट लिमिटेड। सर्वे भवन्तु धनिनः।